Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start second question of exercise 10.2. 10.2 का हम second question करने लगे हैं. इसमें वो क्या कहता है statement आपने गौर से सुननी है जिस तरह मैं पढ़ूंगा. Statement के बगैर मैंने आपको पहले बताया question करना impossible है. ठीक है. तो स्टेटमेंट में कहता है कि सपोज दैट इट इज नाउ दैट आईक्यू फॉर एडल्ट पाकिस्तानी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मैंने आपको कहा था जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का कह दें, जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का कह दें वो अपने चीज़ नोट कर लेनी है. ठीक है. अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा है उसने, ये देखें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सेकंड का ये पार्ट करेंगे. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किसको कहा है, आईक्यूज फॉर एडल्ट पाकिस्तानी. लेट आपने कहना है एक्स इज इक्वल टू आईक्यूज फॉर एडल्ट पाकिस्तानी, फॉर एडल्ट लिख ले. ठीक है. आईक्यूज फॉर एडल्ट पाकिस्तानी. ठीक है. कितना कहता है ये विद द मीन, नो नो, विद मीन इज इक्वल टू 100. मीन जिसका 100 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है. मीन 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10. ठीक है. इफ एन इंडिविजुअल विद एन आईक्यू ऑफ 130 आर अबव, जब अबव की बात करते तो आपको पता है ग्रेटर का साइन यूज करना है. अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता ग्रेटर का साइन यूज करना है या लेस का. वो स्टेटमेंट में खुद बताते हैं कि कौन सा साइन यूज करना है. अब अबव की बात हो रही है तो ग्रेटर का साइन यूज करना है. ग्रेटर का साइन यूज करना है एक्स ग्रेटर देन 30 आर अबव इज क्लासिफाइड जीनियस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सिलेक्शन यील्ड्स ए जीनियस. अब 130 या अबव की बात कर रहा है, किसकी, आईक्यू की. आईक्यू को हमने क्या किया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है. आईक्यू फॉर एडल्ट पाकिस्तानी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने लिख देना है. ठीक है. नॉर्मली अब एक्स की बात कर रहा है, आईक्यूज की. आईक्यू जो एक्स के इक्वल हमने पहले ही रख लिया है 130 आर अबव. या आप इक्वल टू का साइन यूज करना चाहे साथ कर ले, नहीं करना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इससे आप ये पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन की कितनी समझ आई है. अब हमने इसे जी में कन्वर्ट करना है. नॉर्मली क्या करेंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे, म्यू सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे. पॉपुलेशन सिग्मा है ये, 130 में से भी म्यू माइनस करेंगे 100 यानी कि माइनस हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे सिग्मा पे 10 पे. ठीक है. तो ये हो गया z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 130 में से 100 माइनस करें तो 30 आता है, 30 को 10 पे डिवाइड करें 3. ठीक है. अब ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा है तो आपको पता है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस फाइव ऑफ a, ये कितना है 3, 1 में से फाइव ऑफ 3. 3 की रो में देखना है अपने, 0 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि मेरे पास आ रही है 0.99865. 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.00135. ठीक है. अब हम करते हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट में वो क्या कहता है, इसको है तो कहता है द मीन इन साइड डायमीटर ऑफ ए सैंपल ऑफ 250 वाशर्स. 250 वाशर्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं, द मीन इन साइड डायमीटर ऑफ ए सैंपल ऑफ, सैंपल की अब बात कर रहा है. मीन उसने कह दिया है, इसे हमने कंफ्यूज नहीं होना, मीन आगे बताएगा. ठीक है. वाशर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन इज 5. क्या ये 5 क्या है, मीन है 5.05. ठीक है. ऑफ ए सैंपल ऑफ 250, सैंपल है 250 का.
ठीक है, और उसका मीन जो है वो है 5.05 मिलीमीटर एंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 0.05 मिलीमीटर, मीन 5.05। ठीक है, इसका हम बी पार्ट कर रहे हैं। द पर्पज फॉर विच दीज वॉशेज आर इंटेंडेड अलाउज ए मैक्सिमम टॉलरेंस, इनकी जो कारकर्दगी है वो मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, इन दी डायमीटर ऑफ 4.95 मिलीमीटर टू 5.1 मिलीमीटर। ठीक है, अदरवाइज दी वॉशेज आर कंसीडर्ड डिफेक्टेड या डिफेक्टिव। उसने कहा जो ये जो वॉशेज मशीन है इनका अगर डायमीटर 4.95 से लेकर 5.1 के बिटवीन हो तो ये ठीक है, अदरवाइज ये जो है वो कंसीडर की जाएंगी डिफेक्टिव। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वॉशेज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन अज्यूमिंग द डायमीटर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डायमीटर को उसने कहा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखें, लेट एक्स कह देना आपने डायमीटर ऑफ वॉशर्स। ठीक है, अब उसने कहा द पर्पज फॉर विच दीज वॉशर्स आर इंटेंडेड ये है इन द डायमीटर ऑफ 4.95 टू 5.1 अदरवाइज द मशीन्स आर कंसीडर्ड डिफेक्टेड। अब उसने कहा ये जो 4.95 के बिटवीन जो लाई करेगा वो डायमीटर ठीक है, अदरवाइज डिफेक्टिव है। अब आगे उसने जो बात कही है वो ये है कि वन में से टोटल आपको पता है प्रोबेबिलिटी वन होती है। ठीक है, वन में से इसे माइनस कर देना। क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपको पता है। ठीक है, अगर ये 4.95 के बिटवीन लाई करता है तो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज कंसीडर किया जाता है ये डिफेक्टिव है। ठीक है, और उसने कहा प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, डिफेक्टिव की। टोटल आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी वन होती है। ठीक है, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, वन होता है। ठीक है, उसने कहा वो फाइंड करना जो डिफेक्टिव है, 4.95 के बिटवीन जो आ रहा है वो 4.95 एंड 5.10 के बिटवीन जो आ रहा है वो ठीक है एरिया। ठीक है, उसके अलावा जो है वो डिफेक्टिव होगा। हम क्या करेंगे, वन में से माइनस कर देंगे ये रेंज एक्स लेस देन 5.10 4.95। ठीक है, वन में से माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने जो ठीक है उनकी नहीं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, हमने डिफेक्टिव की करनी। जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी ये जिनकी टॉलरेंस ठीक है, मैक्सिमम टॉलरेंस है, ये वो होंगे। लेकिन उसने कहा डिफेक्टिव की फाइंड करनी है, जो बाकी बचेंगे वो डिफेक्टिव होंगे। वन में से ये माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। 4.95 में से म्यू माइनस कर देना है आपने, म्यू कितना है 5.05, डिवाइड कर देना सिग्मा पे 0.05। इसी तरह एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा 5.10 में से भी मीन माइनस कर देना आपने 5.05, और इसे डिवाइड कर देना 0.05 पे। ठीक है, वन में से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे माइनस कर देना, 4.95 में से 5.05 माइनस करेंगे 0.05 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, ये जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, लेस देन है, इसे आप माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 0.05 पे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। हमें एक रेंज मिल गई है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के साथ। ठीक है, 1 माइनस हम क्या करेंगे, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए। बी कौन सा है, 1, ए कितना है -2। माइनस का आपको पता है अगर प्लस वाले से छोटा होता है,
अब अगर एक यहाँ होता और यहाँ -7 होता तो तब भी छोटा होना था -7 ने, और ए की वैल्यू होती है वो छोटी होती है बी की वैल्यू से, ठीक है। 1 -1 की रो में देखना है, 0 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.84134 -5 of -2। -2 की रो में देखना है आपने, 0 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.02275, ठीक है। इससे पहले आपने आपस में माइनस कर देना है इसे, और जो वैल्यू आएगी उससे 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। मैं माइनस करता हूँ इससे पहले, तो आंसर आता है 0.81859, ठीक है। इसे 1 में से माइनस करते हैं तो आंसर आता है ये 0.18141। अब उसने कहा कि परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18.141% आंसर आ जाएगा, बुक पर 18.14 है। आप ये भी लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसका ए बी सी डी पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।